अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एहसान ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी डिस्कशन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग लेक्चर सीरीज पे है वो है डाटा रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कंप्यूटर्स की कैटेगरीज टाइप्स के ऊपर, डिटेल्स को देखा हमने उसमें, लाइक एम्बेडेड सिस्टम, सर्वर सिस्टम और पर्सनल कंप्यूटर्स और काफ़ी सारे, और डिटेल्स में हमने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स इनकी डिस्कशन की थी। जो आज की हमारी डिस्कशन है वो है डाटा प्रेजेंटेशन एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, और हमारा मेन जो क्वेश्चन है, रीजन है, ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक को स्टडी करने का, वो ये है कि डाटा स्टोर होता कैसे है, कंप्यूटर के अंदर डाटा कैसे सेव होता है, स्टोर कैसे होता है। कभी भी हम जब देखते हैं कि जी कोई सीडी के ऊपर डाटा स्टोर करते हैं तो क्या सीडी की शक्ल चेंज हो जाती है, या सीडी का वज़न चेंज हो जाता है, या डीवीडी के ऊपर डाटा स्टोर करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आती हैं, और सीडी और डीवीडी में फ़र्क क्या है, सीडी के ऊपर कितना डाटा स्टोर हो सकता है, डीवीडी में ज़्यादा डाटा कैसे स्टोर होता है, उसकी रीज़न क्या होती है, और हार्ड डिस्क पे डाटा वही स्टोर हो जाए तो उसमें क्या तरीक़ाकार होता है, सेम वही डाटा यूएसबी में अगर हमने कॉपी करना हो, यूएसबी में सेव करना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है, यूएसबी में भी वही डाटा होता है, सीडी डीवीडी में भी वही डाटा, वही फाइल्स अवेलेबल होती हैं, और इसी तरीके से डिफरेंट जो अलग अलग स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनमें डाटा वही सेम होता है लेकिन डिवाइसेस की शक्लें और उनके जो है मटीरियल अलग अलग किस्म के हैं, और ये सारे डिवाइसेस एज ए होल कंप्यूटर को जो है डाटा प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो ये कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड आज की डिस्कशन है हमारी। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि जी डाटा किस फॉर्मेट में, किस शक्ल में होता है कंप्यूटर के पास। पीपल यूज कंप्यूटर टू वर्क विद मैनी काइंड ऑफ डाटा इंक्लूडिंग नंबर्स, टेक्स्ट, म्यूजिक, फोटोज, वीडियोज एंड मैनी मोर। अब ये टेक्स्ट डाटा हो, नंबर्स हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे फोटोज, वीडियोज, कुछ भी हो, ये सारा का सारा डाटा कंप्यूटर जो है वन एंड जीरो की फॉर्मेट में अपने पास सेव कर रहा होता है, कंसीडर कर रहा होता है डिजिटल डाटा के तौर पर। अब सोचने वाली बात है, जीरो है, वन है, उस फॉर्मेट में डाटा स्टोर हो रहा है, लेकिन जब हम देखते हैं तो वो टेक्स्ट नज़र आता है, वीडियोस नज़र आती हैं, फोटोज नज़र आते हैं, जबकि कंप्यूटर जब देखता है तो कंप्यूटर को वो जीरो और वन की फॉर्मेट में नज़र आता है। अब दोस्तों एक और चीज़ आपको मैं क्लियर बता दूं कि वन और जीरो में रिटर्न में लिखा हुआ नज़र नहीं आता कंप्यूटर को। कंप्यूटर को डाटा जो है वो वन और जीरो की फॉर्मेट में एज इट इज रिटर्न में लिखा नज़र नहीं आता, बल्कि मैकेनिज्म होते हैं जो कि इनकोडिंग टेक्निक्स होती हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती हैं किसी एक फिनोमेना को जीरो, दूसरे फिनोमेना को वन, और उन फिनोमेना के पैटर्न को ओवरऑल जो है डाटा के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है, और कंप्यूटर उनको कंसीडर करते हैं जीरो और वन के अकॉर्डिंग सिग्नल्स को। जैसे अब वन जीरो या डिजिटल सिस्टम होता क्या है, सिग्नल्स कैसे वर्क करते हैं, उसके अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे डिजिटल डिवाइसेस वो होते हैं जो वन और जीरो पे चलते हैं। मोस्ट कंप्यूटर्स आर डिजिटल डिवाइसेस। ए डिजिटल डिवाइस वर्क्स विद बाइनरी नंबर लाइक वन एंड जीरो। एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, ये एज ए लाइटेड बल्ब हैज टू डिस्क्रीट स्टेट्स लाइक जीरो एंड वन, विच मीन ऑन एंड ऑफ। बल्ब या तो ऑन है या फिर ऑफ है, अगर ऑन है तो उसको लॉजिक वन कंसिडर कर लें, अगर ऑफ है तो उसको लॉजिक जीरो कंसिडर कर लें। एंड एनालॉग डिवाइस वर्क विद कंटिन्यूस डाटा। जबकि एनालॉग डिवाइस जैसे कि डिमर होता है, हमारे जो घरों में पंखे लगे होते हैं, फैन लगे होते हैं, उनका जो डिमर स्विच होता है वो ऑन या ऑफ, वन या जीरो पे नहीं, बल्कि वन से लेकर सिक्स सेवन तक की उसके जो है एक रेंज होती है। तो हम वन से डायरेक्ट सेवन पे मूव करना चाहें या सिक्स पे मूव करना चाहें तो जितना मर्जी स्पीड से हम उसको मूव करें, फिर भी वन से वो टू, थ्री, फोर एंड फाइव से होता हुआ सिक्स पे जाएगा। इसका मतलब वो एक सीक्वेंस में, कंटिन्यूस फॉर्मेट में मूव करेगा डाटा, स्पीड जो है
कंटिन्यूस स्टाइल में चेंज हो रही होगी। इस फॉर्मेट को हम कहेंगे एनालॉग, जबकि डिजिटल फॉर्मेट मतलब बल्ब की एग्जांपल जो हमने यहाँ पे लिए। अब डिस्कस करते हैं कि जो नंबर्स होते हैं डिजिटल नंबर्स कीबोर्ड के ऊपर, जितने भी नंबर्स आपको 1, 2, 3, 4 एंड ऑनवर्ड्स नजर आ रहे होते हैं, कंप्यूटर इनको कैसे रिप्रेजेंट करता है? कंप्यूटर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो है बाइनरी न्यूमरल सिस्टम बेस 2 नंबर सिस्टम जो है उसको सीखना पड़ेगा, और उसके हवाले से जब आइडिया होगा तो फिर ही हमें 1010 फॉर्मेट में जो डाटा स्टोर कर रहा होता है कंप्यूटर डील कर रहा होता है उसका आइडिया होगा। बाइनरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपकी जो काउंटिंग है, आपकी जो गिनती है, वो 2 मैक्सिमम टोटल उसमें डिजिट है, 0 से स्टार्ट होगा 1 तक जाएगा, और 1 से जो ही 2 या 3 होगा तो वो एक किस्म का हमारे पास लिखा नहीं जाएगा, ऐसे जैसे हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है जो कि 0 से लेकर 9 तक होता है, उसके बाद 10 हम एज इट इज़ नहीं लिखते बल्कि 0 लिख के, अगर सपोज हम एडिशन कर रहे हैं, नंबर्स ऐड कर रहे हैं, तो 0 हम नीचे लिखेंगे और 1 कैरी चला जाएगा, हासिल जमा चला जाएगा, कैरी चला जाएगा। इसी तरीके से 2 बेस नंबर सिस्टम में हम 2 को एज इट इज़ लिखेंगे नहीं, 2 की जगह पर 0 लिखेंगे एडिशन के दौरान, और 1 जो है फर्दर लेफ्ट साइड पे उसको कैरी के तौर पे, हासिल जमा के तौर पे लिखेंगे। तो ये नंबर सिस्टम्स की डिटेल जो है मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स वगैरह में डिटेल में इनको पढ़ाया जाता है, या आप इंटरनेट से सर्च करके भी नंबर्स की सिस्टम्स को डिटेल्स को देख सकते हैं। फिलहाल एक टेबल के थ्रू मैं आपको डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने का थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास डेसिमल में 0 है, बाइनरी में भी वो 0 होगा। अगर डेसिमल में 1 है, बाइनरी में भी 1 है। डेसिमल में अगर 2 नंबर आ जाता है तो बाइनरी में उसको 2 नहीं लिखा जाता बल्कि 0 लिखा जाता है, और 1 उसके लेफ्ट साइड पे कैरी के तौर पे, हासिल जमा के तौर पे लिखा जाता है। इसी तरीके से 3 अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो उसको बाइनरी में 1-1 लिखा जाता है, और 4 रिप्रेजेंट करना हो तो बाइनरी में इसको 100 के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है, और 5 को जो है 101 के लिहाज से। इसका एक शॉर्टकट फार्मूला होता है कि आपके नंबर के ऊपर जो है ये जो बाइनरी नंबर है इनके ऊपर आप 1, 2, 4 एंड 8 अगर ये लिख दें, उससे क्या होगा कि आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं। सपोज के जैसे मैंने कोड लिखा 1, 2, 4 एंड 8, अगर कोई मुझे कहता है कि जी डेसिमल नंबर जो है 9 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, तो मैं क्या करूंगा कि इस कोड के नीचे 8 के नीचे 1 लिखूंगा, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 0 और 1 के नीचे 1। तो ये जो 1001 ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 9 के बराबर। अब ये यहाँ से देख सकते हैं आप 9 जो है 1001 है, और इसी कोड से सपोज के मैंने बनाना है 10 बनाना है, तो हम 8 के नीचे लिखेंगे 1, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 1 और 1 के नीचे 0, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा 10 के। ये 9 और 10 डेसिमल है, लेफ्ट साइड पे ये जो आप देख रहे हैं ये बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर है। इसी तरीके से सपोज के हमने कम्बिनेशन को बनाना है जी 14 बनाना है, 14 का कम्बिनेशन कैसे बनेगा, 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 1 और देन उसके बाद 2 के नीचे 1 और एंड पे 1 के नीचे 0, तो ये जो है हमारे पास 14 बन जाएगा। मीन के 8 और 4 12, देन 2 इज इक्वल टू, मतलब 12 प्लस 2
इज इक्वल टू 14। इस तरीके से जो है आप बड़े से बड़ा जो बाइनरी नंबर है वो डेसिमल का जो है कन्वर्टेड फाइंड कर सकते हैं, और इसके नेक्स्ट इसी फॉर्मूले को आगे एक्सटेंड करना चाहें तो वो 16, 32 और 64, 128 एंड 256 एंड सो ऑन। आप नंबर कोड बढ़ाते जाएं और डेसिमल का नंबर जितना भी बड़ा हो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना आसान हो। आई होप आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आसानी से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि टेक्स्ट डाटा कैसे कंप्यूटर रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।